गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लोक सेवाएं। भारतीय संविधान में लोक सेवाओं का उल्लेख संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 308 से 314 के अंदर लोक सेवाओं का विस्तृत उल्लेख है। संविधान के जो लक्ष्य आदेश जो आदर्श हैं उनकी प्राप्ति में लोक सेवकों और प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में प्रशासन की भूमिका है वो बढ़ी है। पहले जैसे राज्य का कार्य सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा था, तब प्रशासन का काम सीमित था, लेकिन कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्यों ने जो विचारधाराओं को अपनाया तो उससे नौकरशाह और लोक सेवकों का उत्तरदायित्व और कार्य है वो बढ़ गए हैं। किसी देश का संविधान और नीति निर्माता मंत्रीगण कितने भी अच्छे और योग्य क्यों ना हों, लेकिन यदि दक्ष लोक सेवक और सेवी वर्ग नहीं है तो प्रशासन अच्छे से नहीं चल सकता। सरकार की नीतियां चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हों, उनके परिणाम तब तक नहीं आएंगे जब तक कुशलतापूर्वक सत्यनिष्ठ ढंग से उन्हें क्रियान्वित ना किया जाए और उन्हें क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व लोक सेवकों का है। लोक सेवा का अर्थ, अब हम लोक सेवा का अर्थ देखते हैं। लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ है राज्य की प्रशासनिक सेवा की असैनिक शाखा। दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, सैनिक और असैनिक। तो जो असैनिक शाखा जिससे जुड़ी है वो लोक सेवा से संबंधित है। फाइनर के शब्दों में लोक सेवा अधिकारियों का एक व्यावसायिक निकाय है जो स्थायी है, वेतनिक है और कार्यकुशल है। और ग्लैंडन ने कहा है प्रशासन के क्षेत्र में तटस्थ विशेषज्ञता का व्यावसायिक निकाय जो निस्वार्थ रूप से बिना राजनीतिक दलीय विचारों वर्गीय हितों से प्रभावित हुए राष्ट्र की सेवा में लगा रहता है वो लोक सेवक है। लोक सेवा की कुछ विशेषताएं देखेंगे अब हम, जिसे डॉक्टर एल डी वाइट के अनुसार लोक सेवा प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार के लक्ष्यों को प्राप्ति होती है। लोक सेवकों की विशेषताओं में पहला है कुशल कार्यकर्ता। लोक सेवक एक व्यावसायिक वर्ग है जो कि प्रशिक्षण प्राप्त, कुशल, स्थायी तथा वेतनिक होते हैं। उन अन्य व्यक्तियों के समान ही जो कि भिन्न व्यवसायों में व्यस्त रहते हैं। लोक सेवकों का व्यवसाय भी प्रशासन का संचालन करना होता है, उन्हें उस कार्य के लिए वेतन दिया जाता है। प्रशासन का कार्य करना ही लोक सेवक का व्यवसाय है। पद सोपान का सिद्धांत, लोक सेवा संगठन का पद सोपान पर आधारित होती है। इसका अर्थ है कि जो सुप्रीमो है, जो उच्च है और जो अधीनस्थ है, अधिकारियों की एक सुदृढ़ और अनुशासित व्यवस्था है जिसके अंदर उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी का सुपरविजन किया जाता है। प्रत्येक अधिकारी को अपने उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करना होता है। वेतनभोगी, लोक सेवक एक वेतनभोगी है, उसे उसके कार्यों के बदले वेतन मिलता है। वेतन का जो निर्धारण है वो उसके दायित्व, योग्यता, जोखिम, श्रम आदि के आधार पर निश्चित किया जाता है। अब है अनामता का सिद्धांत, लोक सेवक जो भी कार्य करता है वो बिना नाम के करता है, उसे अनाम ही रहना पड़ता है। जैसे अपने कोई देखते हैं कोई योजना बनती है तो जो उस डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है, नेम प्लेट पे भी मंत्री का नाम होता है। लोक सेवक है वो अनाम रहता है, मतलब पर्दे के पीछे रहकर कार्य करता है। अब है स्थायी कार्यकाल,
लोक सेवक का कार्यकाल है वो स्थायी होता है, उसे उसकी नियुक्ति एक निश्चित समय के लिए की जाती है। राजनीतिक दलों, दाव पेचों, राजनीतिक नेतृत्व बदलने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे नहीं है अभी सरकार बदलने के साथ ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तटस्थ दृष्टिकोण, लोक सेवक राजनीति में तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाते हैं, वो राज्य की सेवा करते हैं ना कि किसी राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ सरकार के। जनता के प्रति उत्तरदायी, लोक सेवक अपने कार्यों के प्रति जनता वो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रजातंत्र का युग है, जनता ही वास्तविक संप्रभु है। लोक सेवक देश की संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका के नियंत्रण और निर्देशन में उसे सौंपे गए कार्यों को संपन्न करते हैं। सेवा भाव, लोक सेवक सेवा की भावना से जनता की सेवा करते हैं। लोक सेवकों को जो राज्य के सेवक होते हैं संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना होता है, ना कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ या हित के लिए कार्य करते हैं। और शिक्षित कार्यकर्ता, लोक सेवक उसके कार्य और दायित्वों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है, वे गैर अनुभवी नहीं होते। उन्हें दिया गया प्रशिक्षण उनके पद दायित्व के अनुकूल होता है, मतलब वो जिस पद और उसके अनुसार उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम देखेंगे लोक सेवा के कार्य। लोक सेवा के कार्यों में पहला है नीति निर्धारण। लोक से वैसे तो नीति का निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य है, लेकिन व्यवस्थापिका में सदस्य के कार्य बढ़ जाने के कारण ये कार्य कार्यपालिका को सौंप दिया है। और कार्यपालिका में ये जिम्मेदारी मंत्रियों की होती है, लेकिन व्यवहार में नीति का स्वरूप का निर्धारण है वो लोक सेवक के द्वारा ही किया जाता है। सलाह देना के लोक सेवक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सलाह देना है। वो मंत्रियों और उच्च अधिकारियों जिनके हाथों में शासन की बागडोर है उन्हें सलाह देते हैं। इसके बारे में रेमजे म्योर के मतानुसार 100 में से 99 मामलों में वह मंत्री को एक बार यहाँ तक वह मंत्री लोक सेवक की राय मान लेता है, नियमित स्थान पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। वैसे तो वो नीति निर्माण का पूरा उत्तरदायित्व उन्हीं का ही है, लेकिन वैसे उसका कार्य है वो सलाह देना माना जाता है। नीतियों को क्रियान्वित करना, लोक सेवक का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा बनाई गई नीतियों को अच्छे ढंग से लागू करना होता है। प्रत्यायोजित विधि निर्माण, आधुनिक समय में लोक सेवकों को प्रत्यायोजित विधि निर्माण का कार्य भी करना पड़ता है। कार्यभार ज़्यादा होने के कारण, समय की कमी होने के कारण संसद है आजकल अनेक जटिल विषयों के संबंध में विधि का केवल ढांचा ही बनाती है। उन विधियों की सूक्ष्म और व्यापक रूपरेखा प्रदान करना लोक सेवक का ही कार्य होता है। अर्ध न्यायिक कार्य, आज लोक सेवकों को अर्ध न्यायिक प्रकृति के कार्य भी करने पड़ते हैं। इसके कारण है कि प्रशासनिक अधिनिर्णय न्यायिक निर्णय की प्रथा की शुरुआत हुई है। प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक अधिनिर्णयों के फलस्वरूप प्रशासन ना केवल शासन करते हैं अपितु न्याय भी करते हैं। विकास अभिकरण के रूप में देश जैसे विकासशील देशों में जहां लोक सेवा देश में योग्य प्रतिबद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे यह अपेक्षा किया जाना स्वाभाविक है कि आर्थिक विकास के नए प्रकार प्रजातंत्र के अंदर विकसित करेंगे और नई विचारधाराओं को लेके आएंगे और वो विकास को स्थापित करने वाले अभिकरण के रूप में देखे जाते हैं। नियोजन करना, विकासशील देशों में नियोजन की बड़ी भारी आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बिना देश का विकास नहीं हो सकता। मंत्री जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें जन आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है।
लोक सेवक को मंत्री के निर्देशों के अनुसार देश के विकास के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनानी होती हैं और उन्हें क्रियान्वित करना होता है। उत्पादन बढ़ाना, आजकल प्रगतिशील देशों में प्रशासन का मुख्य लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना है, ताकि उसकी बढ़ती हुई आबादी का गुजारा ठीक तरह से किया जा सके। सार्वजनिक सेवाओं का निष्ठापूर्ण संपन्न करना, वर्तमान के अंदर लोक सेवक का कार्य सार्वजनिक जनता की जो सेवा है वो उसे पूरी निष्ठा के साथ करना है। सेवक के रूप में कार्य कर समाज को सलाह और उन्नति प्रदान करना है। लोक सेवक के रूप में लोकतंत्र में लोक सेवक शब्द केवल अप्रत्यक्ष सेवा करने का नाम ही नहीं है। राजनीति के आदर्शों की अनुपालना मात्र से ही एक सच्चे लोक सेवक का चित्र नहीं उभरता। विकासशील जनतंत्र उससे यह उम्मीद करता है कि लोक सेवक अपनी भूमिका निभाने के लिए जनसाधारण के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर कार्य करेगा। लोक सेवा की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों और तकनीकी योग्यता रखने वाले कार्मिकों की सेवाओं में भी दिनों दिन वृद्धि हो रही है। लोक सेवकों की शक्ति और कार्य भी अब पहले के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ गए हैं। लोक सेवा की तटस्थता की परंपरागत धारणा में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लोक सेवा देश के प्रशासन का आधार है। इससे देश के लोकतांत्रिक स्वरूप शासन व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है कि किसी देश के लोक सेवक किस रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर वह जनहित में कार्य कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि लोक सेवक अगर जनहित में कार्य कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उस देश में सुदृढ़ प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है। धन्यवाद।